भाई मैंने आपको बहुत बार बताया कि Assassin's Creed मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है, एंड उसी का नेक्स्ट गेम यानी कि Assassin's Creed Shadows आ रहा है भाई 15 नवंबर को, एंड मैं इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ Assassin's Creed Shadows की गेम प्ले में क्या क्या होगा, कॉम्बैट एंड स्टेल्थ के क्या फीचर्स होने वाले हैं, कैंपेन मोड कैसा होगा, एंड रियलिस्टिक NPCs की भी बात करेंगे। सो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है भाई, एंड तक जरूर देखना। अब देखो ये मैं मानता हूँ कि गेम अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, यासुके और जापानीज कल्चर को लेकर बहुत बातें उठ रही हैं। सो देखो वो इशू अपनी जगह कंसर्निंग है, बट मैं उस पर अभी फोकस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गेम प्ले फीचर्स की बात करूंगा जो हमें दिख रहे हैं इन द ट्रेलर्स। बाकी हाँ, इसको Ghost of Tsushima से भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कि बनता भी है बिकॉज वो अपने आप में लेजेंडरी गेम है, बट मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं करने वाला बिकॉज हम सिर्फ शैडोज पे ही फोकस करेंगे। Ghost of Tsushima से कंपैरिजन तभी बनता है जब गेम रिलीज हो चुका हो और हम दोनों को साथ में कंपेयर कर पाए। बाकी हाँ, Ghost of Tsushima का रिव्यू हमने ऑलरेडी बना दिया है, अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना। खैर अभी शुरू करते हैं Assassin's Creed Shadows पे बात। सो बेसिकली यार गेम लेट 16th सेंचुरी में बेस्ड होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1579 कंटिन्यू टू अर्ली 1580s, वो भी जापान में। गेम एनवेल इंजन के सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन पे बनाया गया है, सो हमें बेटर लाइटिंग, ब्रेकेबल प्रॉप्स एंड डिटेल्ड एसेट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो में आगे डिटेल में बात करी होगी। हमें दो प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनका नाम है यासुके और नोए, दोनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सो यासुके एक अफ्रीकन सैमुराई है जो कि जापानीज वॉर लॉर्ड ओडा नाबुनागा के लिए काम करता है। यासुके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट सैमुराई है जो कि जापान में आते ही इस कंट्री के सारे लैंग्वेजेस, कस्टम्स और मार्शल आर्ट्स को सीख लेता है एंड नए एनवायरमेंट में अडैप्ट हो जाता है। हर सिचुएशन में फाइट करने के लिए उसके पास कटाना एंड हैवी आर्मर रहता है, एंड उसका फाइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा है कि वो भाई पहले अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है फ्रॉम एनिमीज, एंड देन जैसे ही उसे कोई ओपनिंग मिले तो वो अपने कॉम्बैट स्किल्स दिखाते हुए कटाना यूज करके एनिमीज को खत्म कर देता है। अगर वो कोई मिशन करने तो कभी भी छुप के नहीं बैठेगा एंड हमेशा अपने सैमुराई आउटफिट में रहता है विद वेपन्स। सो ये प्रोटैगनिस्ट स्टेल्थ नहीं करने वाला बल्कि ये रीसेंट के आरपीजी गेम्स के वॉरियर टाइप गेम प्ले को ही कंटिन्यू करेगा। फिर नोए एकदम अपोजिट है फ्रॉम यासुके, वो स्किल्ड है इन पार्कोर एंड स्टेल्थ, एंड वो स्नीक आउट करके कोई भी लोकेशन में घुस के एनिमीज को नॉक डाउन कर सकती है। उसके पास ना बहुत सारे टेक्निक्स और वर्सेटाइल वेपन्स है जिससे वो एनिमीज को मार सकती है, लाइक कुसारीगामा। ये बेसिकली एक चेन टाइप वेपन है जिसके थ्रू वो एनिमीज को नॉक डाउन करती है फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंसेस। ऑल्सो उसके पास स्मोक बॉम्ब्स एंड ग्रैपलिंग हुक्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल वो एकदम सही टाइम आने पर ही करती है। नोए हमेशा लाइट आर्मर पहनना ही प्रेफर करती है ताकि वो सभी डिफिकल्ट लोकेशंस लाइक नैरो वॉल से निकल सके, रूफ पे भी जंप भी कर सके। ऑल्सो मैं आपको एक राज की बात भी बता दूं कि नोए के पास ना उसके डैड का गिफ्ट करा हुआ एक ब्लेड भी होता है जो कि हिडन है ऑन हर लेफ्ट आर्म। Assassin's Creed Shadows में हम दोनों करेक्टर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड जिस करेक्टर से खेलना चाहते हैं भाई उससे मिशन खेल सकते हैं, बट हाँ कुछ कुछ मिशन ऐसे होंगे भाई जो कि हमें स्पेसिफिकली किसी एक करेक्टर के साथ ही खेलना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सो गेम के कॉम्बैट में ना काफी बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं विद वेपन्स लाइक कटाना, स्पीयर एटसेट्रा। इतनी डिटेलिंग देखने को मिलने वाली है कि लिटरली फाइट के दौरान अगर किसी बास्केट को हमारा कटाना टच हो जाए तो वहां पर कटाना का मार्क आ जाएगा एंड वो बास्केट फट जाएगा। गेम में अभी जो आर्मर आने वाला है वो बस फंक्शनली नहीं है बल्कि ब्रेकेबल भी रहने वाला है। बेसिकली जब आर्मर टूटने वाला होगा ना तो उस टाइम पर ओपोनेंट का आर्मर ग्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमारा एक परफेक्ट हिट एंड आर्मर खत्म। बिना आर्मर के एनिमी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हैवी कॉम्बैट में मेनली यासुके ही इन्वॉल्व होगा बिकॉज उस पर बहुत ही हैवी आर्मर और वेपन्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो स्लो चलता है, स्लो अटैक करता है, बट हर एक अटैक दमदार होता है एंड इसका डॉज वाला गेम प्ले देखकर Ghost of Tsushima की याद आ जाती है। बट हाँ ऑब्वियसली Ghost of Tsushima का कॉम्बैट बहुत एडवांस था, जहां डिफरेंट एनिमीज के लिए डिफरेंट चांसेस तक होते थे जो शायद इसमें तो नहीं होने वाले। बाकी देखना होगा भाई रिलीज पे कैसा होता है। एंड हाँ इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल भी अच्छा है जब स्क्रीन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। देन बात करते हैं स्टेल्थ की, तो हमें नॉकडाउन का ऑप्शन मिलेगा सो हम चुपचाप एनिमीज को टेक डाउन कर सकते हैं। हम ग्राउंड पे क्रॉल भी कर सकते हैं जो कि हमें एनिमीज के आईसाइट से बचाकर रखेगा और हम किसी भी एरिया में घुस पाएंगे। भाई अगर आप Assassin's Creed के फैन हो तो हिडन ब्लेड के फैन भी जरूर हो बिकॉज ये सभी फाइट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। सो Assassin's Creed Shadows में ये स्पेशली कस्टम बिल्ड किया गया है जो कि गेम की सेटिंग को सूट भी करता है एंड किसी भी पुराने Assassin's Creed से डिफरेंट होने वाला है। देन इस बार भी हमें आइकॉनिक ईगल विजन स्किल देखने को मिलेगा जिसकी वजह से वॉल्स के आर पार एनिमीज को स्पॉट कर सकते हैं। एनिमीज रेड कलर में हाईलाइट होंगे और जो सर्वेंट NPCs हैं वो येलो कलर में होंगे। ऑल्सो हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के लैंटर्न को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि वहाँ पे अंधेरा हो जाए एंड हम चुपके से एनिमीज को एलिमिनेट कर पाए। इवन नोए भाई पानी में भी छिप सकती है विद द हेल्प ऑफ अ पाइप। जापानीज हाउसेज में हमें शोजी डोर्स देखने को मिलते हैं जो हल्के फुल्के एंड ऐसे ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं, तो हम इनके थ्रू एनिमी के शैडोज को देखकर उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ एक अजीब बात है कि यार सोशल स्टेल्थ नहीं होने वाला जो कि स्टेल्थ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, मतलब कि हम क्राउड में ब्लेंड हो जाते थे और एनिमीज ढूंढ नहीं पाते थे हमें। बाकी नोए के गेम
गेम प्ले में हमने देखा था कि यार यहाँ ना वर्टिकलिटी कम है, मतलब आपको बहुत ऊंची बिल्डिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी बल्कि बड़े कासल्स दिखेंगे जो कि बहुत फैले हुए हैं। उनकी जो बिल्डिंग्स है वो बहुत पास पास नहीं है कि आप कंटिन्यूसली भाई पार्कौर करते ही जाओ और भागते ही रहो। सो इसलिए ग्रैपलिंग हुक का काफी यूज होने वाला है एंड नोए की लाइट एंड अजाइल बॉडी इसके लिए परफेक्ट भी है। एज पर सोर्सेज हमें पता चला है कि यार गेम का मैप साइज सिमिलर हो सकता है टू असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, जो डिवाइडेड होगा बहुत सारे रीजन्स में जहां माउंटेन एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, अर्बन एरियाज एंड कंट्री साइड एरियाज देखने को मिलेंगे। इनके अंदर टाउन्स, ट्रेडिंग पोस्ट, फार्मलैंड्स, कासल्स, टेम्पल्स एंड और भी बहुत लोकेशन हमें देखने को मिलने वाली है। हर एक असैसिन्स क्रीड गेम की तरह इसमें भी हमें डिफरेंट लोकेशन पर जाके मैनुअली एक एक पॉइंट विजिट करना पड़ेगा ताकि वो एरिया अनलॉक हो पाए एंड हम फर्दर टास्क वहां पे कर सके। असैसिन्स क्रीड शैडोज में हमें वैरायटी ऑफ सीजंस देखने को मिलेंगे जहां पर ब्यूटीफुल स्प्रिंग ब्लॉसम से लेकर विंटर स्नो भी होने वाली है। एज पर द सीजन हमें एनपीसी के बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप किसी लोकेशन पे समर में जाते हो तो वहां पे आपको छुपने के लिए ग्रासेस मिलेंगी, बट उसी जगह पे अगर आप विंटर सीजन में जाओगे तो ग्रासेस स्नो के नीचे दब चुकी होंगी एंड इसलिए छुपने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसी के साथ हम पॉन्ड्स एंड लेक्स में भी नहीं छुप पाएंगे बिकॉज भाई विंटर में वो जम जाती है, जिसकी वजह से टारगेट को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होने वाला है, बट मे बी फिर नई अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी। इससे पता लगता है कि भाई हमारा गेम प्ले जो है वो सीजन के हिसाब से कितना इफेक्ट होगा। फिर Assassin's Creed Shadows का कैंपेन मोड नॉन लीनियर रहने वाला है, जहां पर हमारे स्टोरी का प्रोग्रेस टारगेट्स को एलिमिनेट करने पर होगा। हर एक मेजर लोकेशन पे एक टारगेट रहेगा एंड हमें टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए स्पाई नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑल्सो हम कुछ कुछ स्काउट्स को असाइन भी कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग लोकेशन ऑफ द टारगेट। उसके बाद नोए एंड यासुके को अपने हिसाब से टारगेट को एलिमिनेट करना होगा। ऑल्सो एक राज की बात बताऊं कि ये जो टारगेट्स होते हैं ना वो हमेशा बड़े लोग होते हैं जो कि मल्टीपल बिजनेसेस ओन करते हैं इन देयर टाउन, तो आपने अगर उनके बिजनेस की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन निकाल ली तो आप वहां पे जा सकते हो एंड जब वो बंदा अपने काम पे आएगा देन आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो। मेन कैंपेन से सेपरेट हमें बहुत सारे साइड क्वेस्ट और वर्ल्ड एक्टिविटीज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कासल्स, टेंपल्स और श्राइन्स ढूंढने होंगे। Assassin's Creed सीरीज के हर गेम में फास्ट ट्रैवल पॉइंट्स मैप पे मार्क्ड होते हैं जहां पर जाके क्लाइम करके हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, बट शैडोज में आपको मैन्युअली ये सारे पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो खुद अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। बट इससे हमें पता चलता है कि गेम थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की कोशिश कर रहा है। ये फीचर एक्चुअली दूसरे यूबीसॉफ्ट के गेम्स लाइक इमॉर्टल्स फीनिक्स राइजिंग में ऑलरेडी आ चुका है। फिर भाई इस गेम में पॉसिबिलिटी है कि यार यूबीसॉफ्ट उनके नए एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जो वो रिसेंट टाइम में टेस्ट कर रहे थे। बेसिकली यूबीसॉफ्ट एक ऐसे एआई पे काम कर रहा है जो कि एनपीसीज में रहेगा एंड खुद से एज पर एक्शंस एंड रिएक्शंस वो करेक्टर्स रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल एनपीसी सिस्टम से अलग है क्योंकि नॉर्मल एनपीसीज को फिक्स स्टेटमेंट्स दिए होते हैं एंड वो वही रिपीटेडली बोलते रहते हैं, बट अगर ऐसा एआई यूज हुआ तो और भी ज्यादा रियलिस्टिक कन्वर्सेशंस हो सकते हैं एंड खेलने में भी मजा आएगा। ऑल्सो इस बार एक नए टाइप के एनपीसीज आने वाले गेम में जिन्हें सर्वेंट्स कहा जाएगा। ये फाइट तो नहीं करेंगे बट रिइंफोर्समेंट जरूर कॉल कर सकते हैं अगर इन्हें डर लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे मिशन में बहुत बड़ी दिक्कत ला सकता है। फिर गेम में हमें पेट सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है, जैसे हमें Assassin's Creed Valhalla में कैट्स देखने को मिले थे, वैसे शैडोज में हमें डिफरेंट लोकेशंस पे जापानी डॉग्स भी देखने को मिलने वाले हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर पाएंगे एंड उन्हें पेट भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें शिबा इनू ब्रीड के डॉग्स भी लग रहे हैं जिनके ऊपर बहुत मीम्स भी बनती है, तो ये गेम में भी काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। देन भाई बहुत सी क्रेजी डिटेल्स भी थी जो कि गेम प्ले में दिखी, लाइक जब यासुको एक बाजार में फाइट कर रहा होता है तो वो फल सब्जियों की टोकरी गिर जाती है एंड वो फ्रूट्स एक्चुअल में क्रश हो जाते हैं, जो मैं पहली बार देख रहा हूं इस सीरीज में। फिर कॉम्बैट में एनिमीज को मारते टाइम बैम्बूज भी कट हो जाते हैं एंड वो जमीन पे गिर जाते हैं। हाँ, वो गिरते गायब जरूर हो जाते हैं, बट ये डिटेल अच्छी है कि यार वो कट रहे हैं एक्चुअली में और वेपन से अफेक्ट हो रहे हैं। अब गेम प्ले वाइज गेम अच्छा लग रहा है, बट हमें पता है कि यार लास्ट के कुछ ईयर्स में यूबीसॉफ्ट की स्टोरी टेलिंग वीक होती गई है, सो देखना होगा कि यार इस गेम की स्टोरी कैसी रहेगी एंड हमें मॉडर्न डे स्टोरी लाइन की सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो ये था भाई Assassin's Creed Shadows का कंप्लीट ब्रेकडाउन। मेरे को गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल भी है जहाँ जापानीज कल्चर और यासुको को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, उसकी खैर कभी और बात करेंगे, बट हाँ गेम प्ले वाइज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है ये एंड मैं फॉर श्योर इसे खेलने वाला हूँ। आई होप कि यार गेम प्ले अच्छा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो यार लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलूंगा यार मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।